गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच सेकेंड ईयर के अंदर सब्जेक्ट कोड 201 के अंदर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। सब्जेक्ट कोड है 201, ब्रांच इलेक्ट्रिकल। ये टॉपिक जो है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस तीनों के अंदर कॉमन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बूलियन अलजेब्रा होती क्या है। डेफिनेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा क्या है? कन्वेंशनल अलजेब्रा या फिर जो नॉर्मल कन्वेंशनल मैथमेटिक्स है उसी का ही एक्सटेंशन है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बूलियन अलजेब्रा एंड कन्वेंशनल अलजेब्रा, दोनों के बीच थोड़ा सा एक डिफरेंस है। तो देखते हैं क्या है बूलियन अलजेब्रा। इज द मैथमेटिक्स इट इज द मैथमेटिक्स यूज टू एनालाइज डिजिटल सर्किट्स, डिजिटल गेट्स एंड डिजिटल सर्किट्स। ये क्या है? जो हमारी कन्वेंशनल मैथमेटिक्स है उसी का एक्सटेंशन है, बट इसके अंदर हम जो यूज कर जिसकी एनालिसिस करते हैं वो है हमारे डिजिटल गेट्स एंड डिजिटल सर्किट्स। नेक्स्ट पॉइंट है बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड, वो है बूलियन अलजेब्रा इसके अंदर होता क्या है। बूलियन अलजेब्रा यूजेस ए सेट ऑफ लॉस एंड रूल्स to define the operation of a digital logic circuit. किसी भी डिजिटल लॉजिक सर्किट के ऑपरेशन को डिफाइन करने के लिए कुछ सेट ऑफ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो सब किसका पार्ट होते हैं? बूलियन अलजेब्रा का। बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं कन्वेंशनल अलजेब्रा में भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं, इसके अंदर बूलियन अलजेब्रा के अंदर भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मान लिया एक्स, तो एक्स को क्या है? एक वेरिएबल है बूलियन अलजेब्रा के अंदर। तो इसकी दो वैल्यू हो सकती हैं, या तो इसकी वैल्यू लॉजिक जीरो या फिर इसकी वैल्यू हाई। हाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लॉजिक वन से। या तो इसकी वैल्यू जीरो होगी या फिर इसकी वैल्यू क्या होगी? वन होगी। लॉजिक जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है? लो, लो कंडीशन। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाई, एक्टिव लो, एक्टिव हाई। जैसा कि हमें पता है बूलियन अलजेब्रा के अंदर क्या होते हैं? कुछ लॉज होते हैं और कुछ रूल्स होते हैं, तो इन्हीं को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं बेसिक रूल्स, बोल लीजिए लॉज बोल लीजिए, ऑफ बूलियन अलजेब्रा। बेसिक रूल्स लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो सबसे पहले जो रूल आता है वो है हमारा एंड रूल। मान लीजिए कोई वेरिएबल है ए, तो अगर उसी वेरिएबल को सेम वेरिएबल के साथ एंड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? सेम वेरिएबल। ये कुछ रूल्स हैं जो कि याद रखने हैं। किसी भी वेरिएबल को अगर जीरो के साथ एंड करते हैं तो क्या आएगा? जीरो। ए डॉट वन, वन के साथ एंड करेंगे तो क्या आएगा? सेम वेरिएबल। ए डॉट ए बार, वेरिएबल एंडेड विद इट्स कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन, रिजल्ट्स इन द जीरो। ये क्या है? हमारा एंड रूल है। ए डॉट ए बराबर ए, ए डॉट जीरो बराबर जीरो, ए डॉट वन बराबर वन, ए डॉट ए बार बराबर वन, जीरो। ये हमारे जो मैथमेटिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है उससे डिफरेंट। सेकंड जो रूल आता है वो है हमारा और रूल। ए प्लस ए बराबर ए, ए प्लस जीरो बराबर ए, ए प्लस वन बराबर वन। इंपॉर्टेंट है
वन के साथ किसी को और करोगे तो क्या आएगा, वन। ए प्लस ए बार इक्वल टू वन, कोई वेरिएबल है उसको उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम और कर रहे हैं तो क्या आएगा, वन। तो हमने एंड रूल देख लिया और रूल देख लिया। नेक्स्ट रूल जो आता है वो है बूलियन एडिशन, बूलियन एडिशन। नॉर्मल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अलग है और बूलियन एडिशन और बूलियन मल्टीप्लिकेशन अलग है। इसके अंदर जैसे देखते हैं, अगर जीरो को जीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन है, हाँ चलो एडिशन है, तो जीरो प्लस जीरो करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा, वन। वन प्लस जीरो क्या होगा, वापस से वन। और अगर वन प्लस वन है तो क्या होगा, वन। देखिए अगर नॉर्मल मैथमेटिक्स होती, नॉर्मल कन्वेंशनल मैथमेटिक्स होती तो वन प्लस वन क्या होता, टू। लेकिन यहाँ पे एडिशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, कंडीशंस चेक हो रही हैं। अगर दोनों कंडीशंस लो हैं तो आउटपुट क्या होगा, लो। एक एक इनपुट हाई है, एक इनपुट लो है, तो आउटपुट क्या होगा, हाई। एक सेम कंडीशन अगेन, अगर दोनों इनपुट हाई है तो क्या होगा, आउटपुट हाई होगा। फोर्थ है बूलियन मल्टीप्लीकेशन। बूलियन मल्टीप्लीकेशन जीरो डॉट जीरो, जीरो डॉट वन, वन डॉट जीरो, वन डॉट वन। तो जीरो डॉट जीरो क्या होगा, अगर दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट लो होगा। जीरो डॉट वन क्या होगा, जीरो, जीरो। वन डॉट वन क्या होगा, वन। ये हमारा बूलियन एडिशन, ये हमारा बूलियन मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ आता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन द डिफरेंट लॉ ऑफ बूलियन एलजेब्रा, या फिर नाम दे के पूछ लेगा कि कम्यूटेटिव लॉ क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट टर्म्स इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्या मतलब, मान लीजिए अगर हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं ए डॉट बी, तो अगर इन दोनों इनपुट्स को इंटरचेंज कर दें तो जो रिजल्ट आएगा बी डॉट ए, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनपुट्स इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर ए प्लस बी करें तो क्या आएगा, बी प्लस ए। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलते हैं, दिस लॉ अलाउज द रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स फ्रॉम एन एक्सप्रेशन। दिस लॉ अलाउज द रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स फ्रॉम एन एक्सप्रेशन किसी भी ब्रैकेट को ओपन करके उसको रीग्रुपिंग करने को ये अलाउ करता है। एंड रीग्रुपिंग ऑफ द वेरिएबल्स, दिस लॉ अलाउज द रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स एंड रीग्रुपिंग ऑफ द वेरिएबल्स। जैसे मान लो हमने लिखा ए प्लस बी सी, इसको क्या ले सकते हैं, इस ब्रैकेट को हटाया, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, रीग्रुप कर दिया, ए और बी को प्लस सी। ठीक, ऐसे ही क्या ले सकते हैं, मान लो पहले ऑपरेशन था ए डॉट बी और सी के साथ में, तो इसको हमने क्या कर दिया, रीग्रुपिंग किया इन ए बी बी के साथ में,
ऑपरेशन की है सी के साथ। तो ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ। जैसे कि हमने देखा कि जितने भी गेट्स हैं, मान लो एंड गेट है, और गेट है, और हमारा एक्सओआर गेट है, मोस्टली जो भी गेट्स हैं सॉरी मोस्ट जो जैसे हमारा एंड गेट है, और गेट है, एक्सओआर गेट है, ये लोग क्या करते हैं, ये गेट्स क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ तो फॉलो करते ही करते हैं, इसके साथ क्या फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर क्या है, दो फ्लेवर्स आते हैं, ए डॉट पी प्लस सी, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए को बी के साथ में, फिर सी के साथ में, या फिर ओपन कर लीजिए, ए बी प्लस ए सी, ए डॉट बी प्लस सी को कैसे ले सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। और दूसरा लॉ है हमारा ए प्लस बी सी लिखा हुआ है, तो उसको क्या ले सकते हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी कैन बी रिटन एज ए बी प्लस ए सी, एंड ए प्लस बी सी कैन बी रिटन एज ए बी डॉट ए सी। नेक्स्ट जो लॉ आता है वो है इम्पोर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछता है, डबल नेगेशन लॉ। डबल नेगेशन लॉ क्या है, या क्या बोल सकते हैं इसको, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ तो ये लॉ क्या बोलता है, अगर कोई वेरिएबल है उसका टू टाइम्स हम कॉम्प्लीमेंट लें तो रिजल्ट जो होगा क्या होगा, ओरिजिनल वेरिएबल आएगा। डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वेरिएबल रिजल्ट्स द ओरिजिनल वेरिएबल, रिजल्ट्स द ओरिजिनल वेरिएबल। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं इन लॉज को, इन एक्सप्रेशंस को, इन रूल्स को कंसीडर करके हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वाई इक्वल टू ए बी प्लस ए बी बार। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो कैसे मिनिमाइजेशन होगा देखते हैं, सॉल्व करते हैं। वाई इक्वल टू क्या दिया है, ए बी प्लस ए डॉट बी के ऊपर बार है, ना कि पूरा ए बी बार है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं, ए बी प्लस बी बार। अब देखो हमने और लॉ पढ़ा था, उसमें क्या लिखा देखा था हमने कि ए प्लस ए बार क्या होता है, वन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू ये टर्म क्या बन जाएगी, वन ए डॉट वन, और ए डॉट और एंड रूल क्या बोलता है, ए डॉट वन इक्वल टू ए, तो y इक्वल टू ए। तो देखो मिनिमाइज हो गया, यहाँ पे कितने गेट चाहिए थे हमें, एक गेट इस एंड के लिए, एक गेट b को इम्प्लीमेंट सॉरी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, फिर एंड करने के लिए, और फिर लास्ट में और करने के लिए। तो टोटल कितने गेट चाहिए थे, मिनिमम चार गेट चाहिए थे। यहाँ पे कितने गेट चाहिए, एक भी गेट नहीं चाहिए, तो पावर कंजेक्शन, डिले टाइम सब क्या हो गया, कम हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वाई इक्वल टू ए डॉट बी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार, ठीक। उसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। जितने ज़्यादा हाँ गेट्स होंगे सिस्टम के अंदर, उतना ही पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा और प्रोपोगेशन डिले ज़्यादा होगा। ए डॉट बी बार प्लस ए बी सी प्लस सी बार, सी प्लस सी बार वो क्या ले सकते हैं, वन।
इक्वल टू ए डॉट बी बार प्लस ए बी सी प्लस सी बार वन हो गया, ठीक है। अब वाई इक्वल टू, इसमें से हम क्या ले लें, कॉमन ए कॉमन ले लेते हैं, बी प्लस बी बार, बी प्लस बी बार क्या हो गया वापस से वन, वाई इक्वल टू ए, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं कितने गेट चाहिए थे, मान लो कि हमारे पास क्या है बी बार अवेलेबल है, अगर बी से बी बार लेना है तो फिर हमें एक नॉट गेट चाहिए, हम मान लेते हैं कि अवेलेबल है, तो कितने गेट चाहिए, एक गेट, दो गेट, तीन, चार, पाँच, कितने गेट चाहिए, पाँच, और यहाँ पे कितना गेट चाहिए, नौ गेट रिक्वायर्ड, ठीक है। थैंक यू।